मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और फिर दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बेसिक स्कूलों के बच्चों को आज कराई गई एक्सपोजर विजिट। बरेली मोर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर छात्र छात्राओं को किया रवाना। सभी ने हनुमत धाम, शहीद संग्रहालय और शहीद पार्क का किया भ्रमण। जलालाबाद के अफतियापुर में भांजे ने मामा को पीट पीट कर किया लहूलुहान। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी। जलालाबाद में सब्जी आढ़तियों ने मंडी सचिव से की मुलाकात। टीन शेड और चबूतरा बनवाने की मांग की। व्यापारी बोले टैक्स देने के बावजूद भी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। लिपुलेक, भिंड मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव पर लगी कैबिनेट की मोहर। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद बोले स्वीकृति मिलने से अब मार्ग निर्माण का रास्ता हुआ साफ। सायामपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 60 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थानों की पुलिस ने एक साथ चलाया अभियान। थाना सदर बाजार पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने डबल स्टोरी के पास रुचित सिंह, अंकित सिंह और अभिषेक पाल को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। वहीं अभियुक्तों की निशानदेही पर डबल स्टोरी इलाके के खंडर पड़े एक क्वार्टर से 3 और मोटरसाइकिल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। तो वहीं पुलिस अब इस बात का पता लगाने में भी जुटी हुई है कि ये वाहन चोर गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं। सायापुर जिला जेल में इन दिनों सांप्रदायिक और सद्भाव से उत्प्रोत माहौल बना हुआ है। यहां जेल में करीब 250 से अधिक बंदी नवरात्र का व्रत रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 200 के करीब मुस्लिम बंदी रमजान में रोजे रख रहे हैं। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि सभी बंदी आपस में मिलजुल कर नवरात्र के व्रत और रोजे रख रहे हैं। यहाँ मुस्लिम बंदी सहरी, इफ्तारी और नमाज मिलजुल कर पढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर व्रत रखने वाले माता के भक्त माता की आरती और पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं आज रामनवमी के मौके पर रामचरितमानस का अखंड पाठ भी आयोजित किया गया, जिसमें बंदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आज हवन, पूजन और आरती के साथ साथ अखंड पाठ का समापन हो गया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अपर मजिस्ट्रेट के साथ साथ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम और सिविल अपर सिविल जज सहित कई अधिकारी रोजेदार बंदियों और व्रत रखने वाले माता के भक्तों से मिलने पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। हालांकि इस दौरान सभी बंदियों ने जेल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट के बाद अब निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। यूपी के सभी 17 नगर निगम के आरक्षण की सूची भी जारी हुई है, जिसमें शाहजहांपुर में पिछड़ा वर्ग महिला के लिए सीट आरक्षित हो गई है। वहीं शाहजहांपुर से खुटार नगर पंचायत, अनुसूचित जाति महिला, बंडा और खुदागंज और कलान अनारक्षित, नगर पंचायत अल्लागंज पिछड़ा वर्ग महिला, कटरा और निगोही नगर पंचायत पिछड़ा वर्ग और कांट नगर पंचायत महिला के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। वहीं पुआया और जलालाबाद नगर पालिका परिषद की सीट अनारक्षित है और तिलहर नगर पालिका पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र की रौसर कोठी इलाके की रहने वाली महिला पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। महिला ज्योति कनौजिया रामलीला खिरनी बाग मैदान में बैठी है। ज्योति का कहना है कि उसके पति की मौत के बाद दबंगों ने उसके मकान पर जबरन कब्जा कर रखा है। पुलिस प्रशासन को बार बार शिकायत देने के बावजूद भी मकान को कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा। महिला का कहना है कि पिछले 3 दिन से वह भूख हड़ताल पर बैठी और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो तब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं करेगी। थाना जलालाबाद के अफतियापुर गांव में भांजे द्वारा मामा को पीट पीट कर लहूलुहान किए जाने का मामला सामने आया है।
पीड़ित मामा ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी भांजे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपत्यापुर के रहने वाले छोटे लाल ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उनके सगे भांजे कृपाल की मौत के बाद उनके बच्चों की परवरिश के लिए वो उनके यहाँ रहता था। वहीं इस बात से नाराज उसका दूसरा भांजा दिनेश आए दिन उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। वहीं इस बात का विरोध जब बीती रात किया तो दिनेश ने ईंट और पत्थरों से मारकर मामा को घायल कर दिया, जिसके चलते उसे गहरी चोट आई है। फिलहाल अब पुलिस ने तहरीर मिलने पर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सायहापुर में लिपुलेख भिंड मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आज उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर कैबिनेट की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें लिपुलेख भिंड मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की परियोजना के लिए प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया है। जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति मिलने से अब मार्ग के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि नेशनल हाईवे 24 बरेली मोड़ से नेशनल हाईवे 730 सी जलालाबाद को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली को भी जोड़ता है। साथ ही ये मार्ग गंगा एक्सप्रेसवे को भी जोड़ेगा। ये मार्ग फर्रुखाबाद, लखनऊ, बदायूं, मुरादाबाद और दिल्ली को जाने वाले लोगों के लिए बेहद ही बेहतर मार्ग है। चौक कोतवाली पुलिस ने जुआ खेल रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी अभियुक्त जुआ खेल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया और मौके से नकदी और ताश के पत्ते भी मिले हैं। आज हयातपुरा में हजरत हिम्मत शाह और अहमद शाह मियां रहमतुल्ला के उर्स का आयोजन हुआ। कुल शरीफ में अकीकत बंदों ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआ की। इस दौरान रोजा इफ्तार भी कराया गया। दरगाह के सामने परिसर में कुल शरीफ का आगाज नाते पाक के नजराने के साथ किया गया। इस दौरान उलेमा एक कराम ने तकरीर कर मुसलमानों के बच्चों को तालीम दिलाने पर जोर दिया, जिसके बाद कुरान पाक की तिलावत कर मुल्क में अमन चैन की दुआ की गई। सभी ने वहीं पर रोजा इफ्तार कर नमाज भी अदा की। वहीं दूसरी ओर दरगाह पर लोगों ने गुलपोशी और चादरपोशी की। आज सायहापुर के लाला तेली बजरिया मोहल्ले से प्राचीन पौना बाबा मंदिर से रामनवमी के मौके पर मंदिर में हवन पूजन हुआ। उसके बाद एक भव्य भगवा यात्रा श्रद्धालुओं के द्वारा निकाली गई। ये यात्रा लाला तेली बजरिया, वाल्मीकि बस्ती, तेलटंकी, मालगोदाम, आवास विकास और सुभाष नगर होते हुए फिर से लाला तेली बजरिया के प्रसिद्ध बौना बाबा मंदिर पर आकर समाप्त हुई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बेसिक स्कूलों के बच्चों को आज एक्सपोजर विजिट कराई गई। जिले के कई स्कूलों से स्कूली बच्चे आज आवास विकास बरेली मोड़ इकट्ठे हुए, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर सभी छात्र छात्राओं को रवाना किया। एक्सपोजर विजिट पर निकले बच्चों ने हनुमत धाम, शहीद संग्रहालय और शहीद पार्क का भ्रमण किया। इस दौरान बच्चे बेहद उत्साहित नजर आए। जलालाबाद में सब्जी आढ़तियों ने मंडी में चबूतरा और टीन शेड बनवाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन मंडी सचिव को सौंपा है। जलालाबाद मंडी में सब्जी की आड़ चलाने वाले व्यापारियों का कहना है कि उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते उन्हें खुले आसमान के नीचे बैठकर व्यापार करना पड़ रहा है। वहीं गर्मियों के दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो शासन प्रशासन के सभी नियमों का पालन करते हुए टैक्स भरते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में उन्होंने टीन शेड और चबूतरा बनवाने की मांग की है। सिंधौली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय 13 में आज रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। यहां प्रधान सरदार अली और प्रधानाध्यापक सरताज अली ने विद्यालय में कन्याओं को भोजन कराया। इसके बाद उपहार स्वरूप स्वच्छता किट वितरित की गई। साथ ही स्वच्छता के प्रति बालिकाओं को जागरूक भी किया गया। सायहापुर पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाकर 60 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 53 कारतूस और भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई है। तो वहीं पुलिस ने 19 वांछित अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। आपको बता दें कि ये अभियान SP एस आनंद के निर्देशों पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस ने एक साथ चलाया है। रामनवमी के मौके पर आज खुदागंज क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में यज्ञ का आयोजन हुआ। इस मौके पर वैदिक आश्रम हसनापुर से आए आचार्य रामवीर देव आर्य ने यज्ञ में हिस्सा लिया और उन्होंने भगवान श्री राम के
बारे में बताते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन और उनके चरित्र का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने जीवन पर्यंत मर्यादाओं का पालन किया, ऐसे में जरूरी है कि हम लोग भी उनके चरित्र का अनुसरण करें। जलालाबाद पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रौली बौली गांव के रहने वाले राम सिंह को कच्ची शराब बनाने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। तो वहीं पुलिस ने राम बाबू और जगबीर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग एक किशोरी को बहला फुसला कर ले गए थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर अब उन्हें जेल भेज दिया है।